Live, a platform to sharing your thoughts. कि दिया जला जब प्रीत का हो गई उसकी दीद, दिया जला जब प्रीत का हो गई उसकी दीद, तो दीवाली के दीप में दिखती हमको ईद। दोस्तों, ये चिराग मोहब्बत के चिराग हैं, सदियों से जल रहे हैं। चिराग आदम ने दुनिया में जलाया था कभी यारो, आप चाहे आदम कहें, चाहे मनु कहें, चाहे नूह कहें, कुछ भी कहें, लेकिन ये जो कुदरत ने चिराग जलाया है, ये मोहब्बत का चिराग सदियों से जल रहा। एक कथा पेश करता हूँ कि चिराग आदम ने दुनिया में जलाया था कभी यारो, कई तूफान मिलकर भी उसे भूल कर नहीं सकते, हवाओं के थपेड़ों से उजाले और फैलेंगे, मोहब्बत के दिए तो आंधियों में भी नहीं बुझते। अब सवाल यह है कि ये जश्न जो मनाया जा रहा है, हमें पैगाम भी दे रहा है कि हम किस तरह आपस में मोहब्बत से मिलकर रहे हैं, किस बात के लिए लड़ रहे हैं, किस बात के लिए झगड़ रहे हैं, किस बात के लिए नफरत फैलाई जा रही है, क्यों ऐसा किया जा रहा है, इस पर भी जरूर हमें सोचना चाहिए। क्योंकि हम तो हिंदी उर्दू सब जबानों को एक तरह से देखते हैं, उसी में देख रहे हैं कि चमन के पास से गुजरो तो खुशबू लगने लगती है, चमन के पास से गुजरो तो खुशबू लगने लगती है, मैं हिंदी ऐसे लिखता हूं कि उर्दू लगने लगती है। कईयों कहिए कि हिंदी उर्दू में जबानों का बदल रहने दे, सब जबानें एक हैं हमारी नजर में, हिंदी उर्दू में जबानों का बदल रहने दे, ये गजल फन है इसे सिर्फ गजल रहने दे, ये गजल फन है इसे सिर्फ गजल रहने दे। और जो लोग इस विचार को, इस मोहब्बत के माहौल को खराब करना चाहते हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि वो ऐसा क्यों करते हैं कि इन्हीं गलियों ने दिया है उसे सांसों का सुकून, इन्हीं गलियों ने दिया है उसे सांसों का सुकून, क्यों नहीं सोचता बस्ती को जलाने वाला, इन्हीं गलियों ने दिया है उसे सांसों का सुकून, क्यों नहीं सोचता बस्ती को जलाने वाला, और जिसको देते हैं दुआ घर का उजाला होगा, वो ना हो जाए चरागों को बुझाने वाला। आज बात आपने इस फंक्शन के जरिए उस पैगाम में मोहब्बत के लिए कहा, जहां जिगर मुरादाबादी बहुत वर्षों पहले से कह रहे हैं कि मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहां तक पहुंचे। और दोस्तों, को मामूली चराग नहीं है, आपने जितने चराग रोशन किए मोहब्बत का, तो एक चराग काफी है। शेर यह होता है कि चराग एक भी जलता रहे तो काफी है। चराग फिर सब आपकी नजर करना चाहता हूँ, आपकी खिदमत पेश करता हूँ कि चराग एक भी जलता रहे तो काफी है, उसी की लौ से हजारों चराग जलते हैं। तो ये चराग हमें जलाए रखना है, इस चराग को जलाने की एक कोशिश है। ये हिंदू मुस्लिम जैन ईसाई सिख पारसी, ये सब सियासत के झगड़े हैं, इन सबसे हमको दूर रहने की जरूरत है। इस झगड़े में, इस फंदे में हमको नहीं फंसना है, बल्कि यूं कहना चाहिए कि एक बात कहनी चाहिए कि हिंदू का ये कहना है कि मंदिर में आ, मुस्लिम का ये कहना है कि मस्जिद में आ, सिखों का ये कहना है कलीसा में आ, सिखों का ये कहना है कि गुरुद्वारे में आ, ईसाई का कहना है कलीसा में आ। मैं तो बुत कदा, काबा, कलीसा, मैं कदा हर जा गया, लेकिन उस पर्दा नशी का कुछ नहीं पाया पता, तंग आखिर जुस्तजुए यार से बेसाख्ता, जब कहा मैंने कहां ढूंढूं तो आई ये सदा, कि गफलत के पर्दे को हटा दिल में तुझे मिल जाएगा। तो आज का फंक्शन कोई फंक्शन नहीं है, एंटरटेनमेंट का फंक्शन नहीं है, ये बेदारी का फंक्शन है, जागने का फंक्शन है, लोगों को पैगाम देने का फंक्शन है कि लड़ते हैं लोग अल्लाह और भगवान के लिए, लड़ते हैं लोग अल्लाह और भगवान के लिए, वो कितना है बुरा दौर ये इंसान के लिए। लड़ते हैं लोग अल्लाह और भगवान के लिए, कितना है बुरा दौर ये इंसान के लिए। और जो लोग समस्याओं के सरताज हैं यहाँ, हम उनको ढूंढते हैं समाधान के लिए, उन समस्याओं को पैदा करने वालों को दूर रखने की जरूरत है। दोस्तों, इस चराग की लौ को बढ़ाना है, इस मोहब्बत के पैगाम को बढ़ाना है,
और हमेशा ये महसूस करना है कि हम हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, एक मुल्क के रहने वाले हैं, एक देश के रहने वाले हैं, और हमारा फर्ज बनता है कि इस सरजमीन के लिए, हर इस मिट्टी के लिए हम जो कुछ करें वो करें। और मेरा कथा जो हमेशा के लिए मशहूर होता है, सबके जबान पर आता है, वो मैं ज़रूर सुनाना चाहता हूँ कि हाथों में गीता रखेंगे, सीनों में कुरान रखेंगे। बहुत अच्छे फनकार भी बैठे हैं, सारे सारे समझदार लोग ही बैठे हैं यहाँ, सारे गुणी और सारे विद्वान ही बैठे हैं, एक एक का नाम नहीं ले पाऊंगा, लेकिन सब मेरे दिल में धड़कने वाले लोग बैठे हैं। कहता हूँ कि हाथों में गीता रखेंगे, सीनों में कुरान रखेंगे, वो मेल बढ़ाए जो आपस में, वही धर्म ईमान रखेंगे, शम्स बजे भाईचारे का, अमन की एक अजान रखेंगे, काबा काशी सब कुछ होगा, पहले हिंदुस्तान रखेंगे। City Live, a platform to sharing your thoughts.